आजकल आपके जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं वो 40 वॉट्स 45 वॉट्स के आते हैं, ये मोबाइल के चार्जर से भी अधिक करंट लेते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। और दूसरी रहेगी गैस की बात, गैस आपकी चूल्हे के ऊपर इतनी आ रही हो कि आपकी रोटी भी नहीं पक रही, तो उस गैस के प्रेशर पे टेम्परेचर आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट का होता है उसके साथ इसके अंदर भी 16 से शुरू होता है और 27 तक कर जाता है क्लाइमेट कंट्रोल। आप रूम का जो टेम्परेचर सेट करेंगे इसका रूम का टेम्परेचर वही सेट हो जाएगा, उसके मुताबिक ये हीटिंग करके ऑटोमेटिकली ऑटो। ये 10x10 के रूम के लिए होता है, 10x11 के रूम के लिए होता है, तो इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो सब सारे हीटर्स में होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, ऑन ऑफ, और इसको हम कहते हैं 1.15x15 के रूम के लिए होता है, बड़े कमरे के लिए होता है। तो अगर वैसे आपका अगर थोड़ा रूम और 18x18 भी हो तो कवर कर लेता है, कवर्ड एरिया होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसी तरह ये भी इसमें ना ऐसा है कि ताहिर भाई ये मॉडल जो है इसको कहते हैं फ्लैट मॉडल। अगर ताहिर भाई मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, एयर प्योरीफायर में ना दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप हीटर भी यूज कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं। ये अक्सर डॉक्टर्स जो हैं या जिनको सांस का कोई प्रॉब्लम हो, डस्ट एलर्जी को, तो वो लोग ये एयर प्योरीफायर वाली डिवाइस को ढूंढ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक इकबाल, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक जबरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। सर्दियों का सीजन है, हर घर की जरूरत है हीटर, तो खान इलेक्ट्रॉनिक्स पे फिर मौजूद है। इनके पास ओरिजिनल इम्पोर्टेड जापानी हीटर का स्टॉक आ चुका है और बहुत ही मुनासिब प्राइस में हीटर यहाँ से आपको मिलेंगे। वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किन किन क्वालिटी में इनके पास ये हीटर है, साथ साथ आपको प्राइस भी बताएंगे और मार्केट से इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब प्राइस में तमाम वैरायटी इनसे आपको मिलेगी। ये इनकी सेल है, तकरीबन 10 से 15 दिनों के लिए क्लियरेंस सेल लगाने लगे हैं ये। अगर आप इनसे कोई फायदा उठाना चाहते हैं, कोई भी बहन भाई पूरे पाकिस्तान से घर बैठे आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आप इनके पास विजिट करना चाहें स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, आप इनके पास विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं आपको दिखाता हूं इनके पास हीटर में कौन कौन से वैरायटी और क्या क्या रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तायर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा करम। हम लोग लेके आए हैं आपकी बारी जापानी हीटर लेके आए हैं, जैपनीज, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप ये समझ लें कि मोबाइल का चार्जर जितना, अगर ये मोबाइल के चार्जर जितना, जैसे आप अपने घर का मोबाइल आम रेगुलर जो यूज करते हैं उसका चार्जर जितना करंट लेता है, और इसके 20 वॉट्स, 18 वॉट्स, 22 वॉट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, उसके वॉट्स डिफरेंट है। आजकल आपके जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं वो 40 वॉट्स 45 वॉट्स के आते हैं, ये मोबाइल के चार्जर से भी अधिक करंट लेते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। और दूसरी रहेगी गैस की बात, गैस आपकी चूल्हे के ऊपर इतनी आ रही हो कि आपकी रोटी भी नहीं पक रही, तो उस गैस के प्रेशर पे भी ये हीटर ऑन होते हैं। अच्छा हाँ जी। इसके इसका यही फायदा है कि ना आपका गैस का खर्चा है ना आपका बिजली का खर्चा है। तो अब इसका जो फायदा ये है कि हम अगर लेट्स सपोज बिजली वाला हीटर लगाते हैं ना, बिजली वाला कोई भी आप हीटर ले ले, वो 2000 वॉट से कम नहीं होता फैन वाला। तो ये फैन वाला भी है, ब्लोअर वाला भी है, और गैस वाला भी है, इसको कहते हैं हाइब्रिड हीटर्स। अच्छा, तो उसका जो बिल है वो 15 से 20 हजार रुपए का आता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है। तो इसका जो बिजली का बिल है ना वो पूरे महीने का 700-800 रुपया है, उससे ज्यादा इसका गैस और बिजली का खर्चा नहीं है। ये तो एक 100% कंफर्म है, हम नेचुरल गैस और जो हमारी आम इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके अंदर ये इसके इसके साथ साथ अगर आप अगर ये दिखा सके तो मैं इसका थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल होता है, जो टेम्परेचर आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट का होता है उसके साथ इसके अंदर भी 16 से शुरू होता है और 27 तक कर जाता है क्लाइमेट कंट्रोल। आप रूम का जो टेम्परेचर सेट करेंगे इसका रूम का टेम्परेचर वही सेट हो जाएगा, उसके मुताबिक ये हीटिंग करके ऑटोमेटिकली ऑटो ड्राइव पे चला जाएगा। ये ऑटोमेटिकली स्लो भी होता है, ऑटोमेटिकली तेज भी होता है, जिस तरह हमारे आजकल इन्वर्टर स्प्लिट्स आते हैं ना उसकी तरह सेम इसने भी उसी तरह परफॉर्मेंस करनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर चाइल्ड लॉक भी होता है, अगर बच्चे इसकी सेटिंग ना छेड़ दें तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर इको होता है कि आप अगर एको के ऊपर ले आते हैं तो ये मजीद जो है गैस की कंजप्शन करता है, ये इसका एको का बटन है। अच्छा, ये टोटल जापानीज लिखी हुई है, इसके लिए आप अगर किसी बहन भाई के पास अगर यूज कर भी रहे हैं, उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई लेंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, गूगल ट्रांसलेटर आजकल गूगल पे आम ऐप है, वो आप डाउनलोड करके कैमरे के थ्रू इसको जापानीज टू इंग्लिश कर सकते हैं, तो ये सारा आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो उसके बाद इसमें गुड नाइट और गुड मॉर्निंग की ऑप्शन होती है। अगर लेट्स सपोज आप लोग सोने लगे, गुड नाइट के लिए 2 घंटे का टाइमर लगा देते हैं, 3 घंटे का, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा।
और गुड मॉर्निंग का लगाएंगे, आपका कहते हैं कि जी सुबह 6 बजे आपने उठना है या 7 बजे उठना है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी होएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ भी होगा, तो क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। और इसके साथ साथ इसमें जो सबसे अच्छी ऑप्शन है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हीटर ह्यूमन फ्रेंडली भी है, इसके अंदर जब गैस जाती है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है, ये जब गैस दोबारा आएगी तो ये ऑन नहीं होगा, ना ही गैस लीक करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ये हीटर ऑन नहीं होगा। तो ये इसको जापानी हीटर जो है ये फुली ऑटोमेटिक है और बिजली का कोई खर्चा नहीं है। इसमें मैं आपको साइजेस बता देता हूँ, इसमें साइजेस सारे आते हैं, जैसे 1.7 आता है, ये सबसे छोटे रूम के लिए होता है, ठीक है, ये 10x10 के रूम के लिए होता है, 10x11 के रूम के लिए होता है। तो इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो सब सारे हीटर्स में होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, ऑन ऑफ, और इसको हम कहते हैं 1.7 kW, ये 10x10 11x11 के रूम के लिए होता है। अच्छा, जो अभी ताहिर भाई अगर हम बात करें ना इनकी प्राइजेस की, तो क्योंकि जैसे ये आपको पता है कि डॉलर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से रेट काफ़ी ऊपर गए हैं, पर अब आप हमारे पास आए हैं तो आपके लिए हमेशा आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट लगाते हैं। तो वैसे तो मेरी जो नॉर्मल पहले भी वीडियोस हमने डाली हैं उनमें ये 12-13 हज़ार रुपये का हीटर हम लोगों ने दिया है, तो अब जो क्लियरिंग एक सीजन भी जा रहा है तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे और हम डिस्काउंट भी दे दें। तो ये वैसे 12-13 हज़ार रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है, इसकी प्राइस आप कहीं भी जाएंगे तो यही है, तो ये ओरिजिनल होगा। एक बात ये भी मैं साथ आपको क्लियर कर दूं कि इसमें किसी भी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं हुई होगी, ये प्योर जापानीज होगा और 110% इसकी किटे, इसके सेंसर ओरिजिनल जापानीज होंगे। तो जो ओरिजिनल हीटर है वो 12-13 हज़ार रुपये का मार्केट में, तो आपके व्यूवर के लिए ये जो आपके रेफरेंस से या आपके चैनल के थ्रू आएगा उसको ये सिर्फ और सिर्फ हम 10-11 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर देंगे। उसमें क्योंकि ये 10 और 11 का फिगर इसलिए बोला है, कुछ मॉडल थोड़े से महंगे होते हैं, कुछ मॉडल थोड़े सस्ते होते हैं, पर उनको डिस्काउंट करके मैं 10 का भी दे, हो सकता है 10 का दे दूँ, 10.5 का दे दूँ, वो मौके पे जो मॉडल वो सिलेक्ट करेगा उसके अंदर वो 1000-2000 रुपये का उनको मौके पर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये एक आ जाता है 2.4, ये ग्लास वाला मॉडल है, ये मॉडल 2.4 जो है ये होता है 12x12, 12x13 के रूम के लिए होता है, तो ये ग्लास के अंदर होता है, ये लेटेस्ट मॉडल में आता है, जिस तरह आजकल ग्लास रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, हर चीज़ ग्लास में आ रही है नए मॉडल्स के अंदर, तो ये भी ग्लास के अंदर है। तो इसमें हमारे पास ये वाला मॉडल भी आता है सिंपल के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास ग्लास वाला मॉडल भी आता है। तो जो सिंपल मॉडल है वो उसकी प्राइस मार्केट में 13-14 हज़ार रुपये है 2.4 की, और जो ग्लास वाला है ये 18-20 हज़ार रुपये का आता है। तो इसके अंदर ये है कि जो जिस तरह आपके चैनल के थ्रू आएगा उनको हम ये वाला जो मॉडल है 16 हज़ार रुपये का देंगे। और ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी फिलहाल जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये 10-15 दिन के अंदर अंदर के लिए, आगे अगर डॉलर कोई फ्लक्चुएशन करता है, रेट अप होता है तो फिर हमारे लिए उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वीडियो देख के तो 2-3 महीने बाद भी आते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपने वीडियो में ये प्राइस बताई थी, तो वो उसमें क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ये डॉलर्स के साथ ही हम लोग परचेज करते हैं, बाहर से आता है। तो अभी फिलहाल जो भी आपके चैनल के थ्रू आएगा उसको हम 16 हज़ार रुपये का ये देंगे, ठीक है। फिर इसमें 3.5 आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3.5 में भी ग्लास में भी आता है और सादा भी आता है। तो ये जो है ये 16x16 के रूम के लिए होता है, 15x15 के रूम के लिए होता है, बड़े कमरे के लिए होता है। तो अगर वैसे आपका अगर थोड़ा रूम और 18x18 भी हो तो कवर कर लेता है, कवर्ड एरिया होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसी तरह ये भी इसमें ना ऐसा है कि ताहिर भाई ये मॉडल जो है इसको कहते हैं फ्लैट मॉडल, ये लेटेस्ट मॉडल में आता है, ठीक है। इसी तरह ये ग्लास में भी नए मॉडल में आता है। इन दोनों के अलावा एक मॉडल और भी आता है जिसको राउंड शेप मॉडल कहते हैं। तो इसमें ना ताहिर भाई हमारे पास ना जापानी हीटर के अंदर ना वैरायटी थोड़ी सी ज्यादा इस तरह होती है कि इनके कंटेनर में 5000 से लेके 50000 तक का हीटर निकलता है। असल में लोग ताहिर भाई यहाँ पर ना आके कंफ्यूज हो जाते हैं, कई चैनल्स वाले जो है ना झूठ भी बोलते हैं, वो 5000 का रेट लिख देंगे अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ व्यूज देखने के लिए, कोई 8000 लिख देगा, जब वो उनकी शॉप पे जाते हैं तो फिर वहां पर जाने के बाद वो कुछ और बताते हैं। देखिए आपने जब भी हमेशा हमारे पास वीडियो बनाई है आपने कहा जो आपका जो रियल प्राइस है, जो सच है वो ही आपने वीडियो में बताना है।
तो हम आपको जो रेट बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसी ये नहीं होगा कि मैं बाद में कहूँ जी नहीं ये ऐसे था वैसे था। ये अभी मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर कोई भी कस्टमर आएगा ये रेट जो होंगे मैं आपको दूंगा, सही है। तो इसमें ये ओरिजिनल जो हीटर है जो जापानी ओरिजिनल है जो नॉन रिपेयर्ड हीटर है ये उनकी प्राइजेज है। अगर इसमें हम रिपेयर वाले हीटर की बात करें तो जाहिर बात है उसमें 2,000-5,000 का फर्क आ जाता है। ये जेन्युइन हीटर है, जैसे हम ये मेटल बॉडी वाली की बात करें फ्लैट है, ये वाला हीटर जो है ये मार्केट में 20 से 22 का सेल हो रहा है, ठीक है। ये वाला हीटर फिलहाल इन 10-15 दिनों में अगर कोई भी आपके रेफरेंस से आएगा ये 18 से 19 हजार तक की रेंज में मैं उनको दे दूंगा, सही है। फ्लैट मॉडल, इसके अलावा एक मॉडल आता है हरवे राउंड शेप में आता है पुराना मॉडल, वो 15,000 से 16,000 रुपए की रेंज में आता है, ओल्ड शेप मॉडल होते हैं। तो ये लेटेस्ट मॉडल है। फिर उसके बाद ये ग्लास वाला आता है, तो ये जो ग्लास वाला 3.5 है ये मार्केट में 30 की रेंज में सेल होता है 30,000 रुपए का। तो ये जो है ये आपका जो है ना स्पेशल डिस्काउंट के साथ 26,000 की रेंज में मिलेगा। और ये सारे जितने भी हीटर हैं कन्वर्टेड 220 हैं, ठीक है। इसके अंदर उनको सेपरेट सप्लाई 110 की नहीं लगानी पड़ेगी, ये जाके ये प्लग एंड प्ले हैं, आप घर जाएं और इसको लगाइए 220 के ऊपर चलेगा। सिर्फ इसको गैस चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गैस सिर्फ इतनी कि आपके चूल्हे पे गैस आपकी ऑन हो रही है ना, आपका बर्नर ऑन हो रहा है, रोटी नहीं पक सकती, पर ये हीटर ऑन होंगे, सही है। और जैसे मैंने बताया चार्जर जो है इसका मोबाइल के चार्जर इतना करंट है। फिर उसके बाद इसी के अंदर आता है हमारे पास एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर के अंदर ये देखें, अगर तहवी मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, एयर प्योरीफायर में ना दो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप हीटर भी यूज कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं। ये अक्सर डॉक्टर्स जो हैं या जिनको सांस का कोई प्रॉब्लम हो, डस्ट एलर्जी को, तो वो लोग ये एयर प्योरीफायर वाली डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, इन्हीं हीटर्स में ये फायदा है कि एक तो ये प्योर जापानीज है, अगर हम इनका प्योरीफायर टोक्यो गैस का, रनाए का, या ओसाका जापान का, ये जो बाहर की जापानीज कंपनी है इनका, रनाए किसी इनके हट के लोकल चाइना का भी प्योरीफायर लेने जाए ना तो 40 से 50 हजार से कम नहीं मिलेगा। इन हीटर में क्या होता है, लेट सपोज अगर जैसे मैंने आपको बताया 2.4 जो है वो 14-15 हजार रुपए का है, तो इसके अंदर वो ये होगा कि आपका 2-4 हजार 5 हजार एक्स्ट्रा डलता है तो प्योरीफायर आपको साथ मिल जाता है। हीटर आपको इसमें एक तो हीटर तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको प्योरीफायर की डिवाइस भी इसमें बिल्ट इन होती है। आपकी मर्जी है आप इसमें प्योरीफायर चलाएं, आपकी मर्जी है आप इसमें हीटर चलाएं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जी हीटर चलेगा तभी ये प्योरीफायर चलेगा, ये दोनों सेपरेट है। आपकी ये जिन बहन भाइयों को चाहिए हो, अपने एयर क्लीनिंग के लिए चाहिए हो, उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, और जिनको हीटिंग के लिए चाहिए उनके लिए भी। तो ये वाला हीटर मार्केट में 22,000 की रेंज में सेल होता है, पर ये भी आपको 15 से 16 हजार रुपए की रेंज में अभी फिलहाल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सीजन क्लोज भी हो रहा है। सीजन क्लोज होने की वजह से हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो स्टॉक हो वो हम लोग अभी क्लियरिंग कर ले, सही है। तो ये 10 से 15 दिन के अंदर अगर किसी बहन भाई को चाहिए होगा तो ये इसको उनको इस रेट में प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर एक और हमारे पास आता है, ये देखिए तायर भाई रनाई का हीटर है। अच्छा, इसके अंदर ये ऑप्शन है कि ये भी इसमें भी एयर क्लीनिंग है, ठीक है। ये जो ब्लू बटन है ना ये एयर क्लीनिंग का होता है, जो जिस तरह यहाँ से मैंने आपको बताया इसके अंदर भी है, ये सेपरेट एक है, पर इसके अंदर ये है कि आपका हीटर और एयर क्लीनिंग साथ चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। तो इसकी प्राइस उस हीटर से फिर थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो उसके अंदर दो डिवाइसेस लगी हुई है अलग अलग सेपरेटली, आप अलग उसका ब्लोअर प्योरीफायर का अलग है और हीटर का अलग है। तो ये इसके अंदर एक ही सिंगल ब्लोअर है, ये एक ही साथ दोनों चीजें काम करेगा। तो ये वाला जो हीटर है ये भी 16,000-15,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा। इस तरह ये अलग अलग मॉडल बहुत सारे मेरे पास लगे हुए, तो ये एक चीज मैंने आपको दिखाया। तो जिस बहन भाई को चाहिए हो वो आए विजिट करें, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जो आपके रेफरेंस से आएगा इंशाल्लाह मैं उसको जो डिस्काउंट हो सकता है वो दूंगा। अच्छा ताहिर भाई, इसमें ये सारे मॉडल्स हमारे पास स्टॉक में लगे हुए, वहां पर तो मैंने आपको एक एक पीस सिंगल सिंगल करके दिखा दिया। तो जिस भाई को जितने भी हीटर चाहिए हो, अपने लिए होलसेल के लिए चाहिए हो या अपने यूज के लिए चाहिए हो, तो वो हमारे पास विजिट कर सकता है, ले सकता है। तो सारे मॉडल इंशाल्लाह हर मॉडल मिल जाएगा, सारे साइजेस हमारे पास अवेलेबल है, सारे मिल जाएंगे। आप लोगों ने इनके पास ये हीटर की वरायटी देख ली है, इनके पास स्टॉक मौजूद है, पूरे पाकिस्तान से आप मंगवा सकते हैं। और अली भाई ने जो इसके खर्चे के बारे में बताया, यकीन माने अगर आप एक मोबाइल चार्जर लगाते हैं, एक मोबाइल चार्ज कर रहे हो, उतना इसका खर्चा है। तो बहुत ही कम खर्चे में ये आपको हीटर मिल रहे हैं, और गैस और बिजली दोनों पे आप चला सकते हैं। हर साइज में आपको हीटर मिल जाएगा, छोटे बड़े तमाम साइज में ये
इंटर की तमाम वैरायटी आपको मिल जाएगी। कोई इनको ऑर्डर करना चाहे या इनके पास शॉप पे विजिट करना चाहे, स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर मौजूद है। आल पाकिस्तान से घर बैठे आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और आप इनके पास विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने सेल लगाई है 10 से 15 दिन के लिए, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल भी नहीं हुए तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बरवक मिल सके। इंशाल्लाह जिंदगी रही देखने वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। जब तक जरा दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मैं दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़।